प्लॉडिंग, ह्यूमन रिसोर्सेज का प्लॉडिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कई बार मैंने ये देखा हुआ है कि कई लोग ऐसा समझते हैं कि अगर मेरे कपड़े पे थोड़े से या मेरे उसके ऊपर कुछ दाग वाग लगे हुए हैं तो मैं ऐसा लगे जैसे कि आदमी काम कर रहा, लेकिन ये बहुत गलत फहमी है। आपका ड्रेस तो हमेशा क्लीन ही होना चाहिए। अगर कोई ड्रेस स्पॉइल हुआ है तो इट शुड बी इमीडिएटली रिप्लेस। अगर आप वो रिप्लेस नहीं कर रहे हैं और ये सोच के नहीं कर रहे हैं कि जैसा ये दर्शा रहे हैं कि यार नहीं इस कंपनी के आदमी काम कर रहा है, तो ये बड़ी गलत है। क्लोथिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोथिंग की हाउसकीपिंग से जैसे जो कि मेरा को सब्जेक्ट में हाउसकीपिंग और हाइजीन, और अब जब हम रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट करते थे हेल्थ क्लोथिंग एंड सैनिटेशन, ये सब शब्द एक दूसरे से ऐसे इंटरमिंगल्ड और क्रॉस्ड है कि उनकी रिक्वायरमेंट्स कभी हाउसकीपिंग में भी समझ में आती थी, कभी क्लोथिंग में भी आती, कभी मेंटेनेंस और हाइजीन सब में समझ में आती। तो क्लोथिंग भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का एक बहुत महत्वपूर्ण घटक है। किस प्रकार का मेरा इंडस्ट्री में जो वर्कर है, किस लेवल का वर्कर है और उसके लिए क्या क्लोथिंग प्रोवाइड है। नॉर्मली देखेंगे कि वो स्मॉल स्केल सेक्टर में या इवन कई लोगों के यहाँ देखेंगे कि वो उसके ऊपर उतना ध्यान नहीं देते। कहाँ से मैं शुरू करूंगा, बिल्कुल राइट है कि एंट्री करते का ही अगर 10